हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्वर आलय म्यूजिक। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन एक म्यूजिक धुन है जो कि राग दरबारी कानड़ा पर आधारित है, जो कि तीन ताल में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पहली काली मेरा स्केल है राग दरबारी कानड़ा, गंधार, धैवत, निषाद, ये तीन स्वर कोमल रहेंगे इसमें। और इस राग में ज़्यादातर प्रयोग कर्ण स्वर का होता है, तभी राग की रंजकता बढ़ती है। और इसमें भी कर्ण स्वरों का बहुत प्रयोग किया गया है, तो आप ध्यान से समझें इस बात को। पहले मैं तीन ताल के साथ इस म्यूजिक धुन को बजा के बताता हूँ। दोस्तों, ये धुन है राग दरबारी कानड़ा और तीन ताल पे मैंने बजाया इसको। इसमें ये ख्याल रखना आप, नी सा रे गा, अति कोमल गंधा लगता है। नी सा रे गा म रे सा धानी सा, ऐसे नहीं बजाना, धानी सा। रंजकता बढ़ाने के लिए जब धा बजाओगे तो नी का कर लेना धा, और जब नी बजाओगे तो सा का कर लेना धा नी सा, धा नी सा, नी सा, ऐसे बजाना नी सा रे गा म रे सा।
धानी सा, ये तो आपका पहला फ्रेज हो जाएगा। और इसके अगला फ्रेज है मा पा धा, जब धा बजाओगे तो नी का कर, मा पा धा, जब मा पा धा बजाएंगे तो नी का कर, मा पा धा, धा, और फिर जब नी बजाएंगे तो सा का कर्ण तार सप्तक के, धन म प द धनी सा, और उसके आगे नी सा रे रे सा, नी सा रे रे सा, और तीसरा फिर जाएगा शाधा साधा नी प म प ग म रे सा, और तीसरा फिर क्या आएगा साधा, धा जब धा पे जब जाएंगे तो सा नी, नी का कान सा धा नी पा मा पा गम रे सा, इस टाइप से आपको बजाना है, तीसरा फ्रेज हो गया। इसी को एक उंगली से देखें, नी सा रे गा मा रे सा सा, नी सा रे गा मा रे सा, धा नी सा, मा पा धा धा नी सा रे रे सा, मा पा धा धा नी सा रे रे सा, सा धा नी पा म प ग म रे सा, इस टाइप से आपको बजाना है। दोस्तों ये वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे चैनल से इसी तरह से आप जुड़े रहें और आप लाभ लेते रहें। कई तरह के आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर, राग संबंधी, ठाट, गानों के बीच का म्यूजिक कैसे बजाएं, किसी भी गाने का ओरिजिनल स्केल कैसे फाइंड आउट करें, वगैरह वगैरह सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।